हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सॉरी इस वीडियो का इंट्रो मेरे से मिस हो गया है, मिल नहीं रहा। मैंने बनाया था बट आई गेस वो डिलीट हो गया। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माई फ़ोन राइट नाउ, बट आई होप कि आप लोग ठीक हो। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम थोड़ी सी तैयारियाँ कर रहे हैं। कल हमारे माशाल्लाह राफेली की आमीन है, राफेली ने कुरान पाक अपना फिनिश कर लिया फॉर द फर्स्ट टाइम, सो उसकी आमीन सेरेमनी होने वाली है, तो बस उसी की तैयारियां हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये जी हम राफ्ते की है कल आमीन और उसके लिए हम बना रहे हैं गाजर का गजरेला, तो मीठा मीठा हमारी तरफ से जाएगा। और मुस्कान लाला ने सारी गाजरें कश की इरे मामना की हेल्प के साथ और मैंने ये दो चढ़ा दिया और ये गाजरें। गाइस अब हम और गाजरें क्रश करने वाले हैं क्योंकि गाजरें कम पड़ गई हैं और हमें इमरजेंसी में और गाजरें क्रश करनी पड़ रही हैं और वो करेंगे मैं और हमला। अब हम गाजरें क्रश करने वाले हैं और ब्लेड तो मैंने निकाल दी उसमें। हाँ ये भी है, ये कल की थी तो पाओ उसमें। ये है गाजर, अभी आपको नहीं पता गाजर क्रश कैसे करते हैं तो मैंने भी आज सीखा। मामा ने डाल दी उसमें। हम इतना इतना पीस छोड़ते थे कि फिर वो डर लगता कि हाथ कट जाएगा। मतलब दो गाजर तीन कम करना। अच्छा काफी है, मोटी वाली एक कर दूं आपने बस ये इसमें नहीं जाएगा, वो काटना पड़ेगा बीच में। मेरे ख्याल में काफी है मुस्कान, काफी हो गया हमारे पास। अच्छा ये काफी है। माशाल्लाह राफेली की आमीन है, उसने कुरान पाक मुकम्मल किया है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह ही हम आहिल की भी करेंगे आमीन इंशाल्लाह। आहिल आई लव यू। हमने यहाँ पे जो बची हुई गाजर उनको क्रश कर दिया और अब हमारा आज का कोई प्लान नहीं है, हम बस आज घर ही रहेंगे, गजरेला बनाएंगे, ये सबसे बड़ा प्लान है। मामा यही है हमारी गाजरे आएंगे नहीं इस पतीले में, आज अब सैलेड भी इसमें बनाएंगे। ये मेरे लिए दूध में जहर घोल रही है गाइस। गाइस अगर मुझे कुछ हो गया तो याद रखना इस औरत ने मुझे दूध पिलाया था। मम्मा देखिए मुझे मुझे कैसी बातें करती हैं। ये देखिए गाइस अब इस बात में बता रही हैं कि ये ना मुझे जहर घोल के दे रही है। हाँ ऐसी है, अगर मुझे कुछ हो गया तो याद रखना इसने मिला है। बेटा वो मैं मर गई, ये ना कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। ये किसका तरीका, बहुत धुंधला हो गया है ये जी। अब तकरीबन हाँ बोलिए, ये गजरेला ऑलमोस्ट डन हो गया माशाल्लाह, बस 10 मिनट और पकेगा तो इंशाल्लाह। चीनी भी फर्स्ट क्लास है, मैंने चिखाया है इरे मामला को भी और मुस्कान ने सबसे पहले चखा। ठंडा होके इस पर हम डालेंगे बलाई, ठंडी ठंडी मिल्क पैकी और ज़बरदस्त। हम मिल्क पैकी प्रमोशन नहीं कर रहे ना यार, मेरा धुंधला धुंधला हो गया। गाइस ये गजरेला ऑलमोस्ट बन चुका है, बस थोड़ा सा थिक होने के लिए थोड़ी सी कसर है, बिल्कुल थोड़ी सी, बाकी बहुत ही मज़े का है। मैंने टेस्ट किया, वेरी डिलीशियस। हम आ गई हैं अब किचन में, मम्मी ने आग चला दी नीचे। ठीक है बस अब ठीक है, थोड़ी देर
मैं यही बता रही हूँ सबको, पक तो गया बस थोड़ा सा रह गया। बहुत ही मज़े का पका। गाइस मैंने ना अपना राफेली की जो आमी है उसके लिए एक ड्रेस मैंने खाड़ी से लेके तैयार किया हुआ था, ठीक है। लेकिन कल ही मुझे एक और ड्रेस पसंद आया ऑनलाइन, मैंने जिस ऑर्डर वो अभी रिसीव भी हो गया, लाइक कल ऑर्डर किया था आज आप ही क्या है। सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट, मैं कल अब वो पहनूंगी। दूसरा आई एम जस्ट गोइंग टू टेक शॉवर एंड वॉश माई हैंड बिकॉज आई वॉन्ट टू डू हीटलेस कर्ल्स, जो ओवर नाइट होते हैं ना वो करना चाहती हूँ। वो मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगी, और कल का तो ऑब्वियसली सेपरेट व्लॉग हुआ, तो आज वाला व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह हीटलेस कर्ल्स किए हैं। और आमना ने मेरे जो नेल्स हैं उसमें से एक नेल टूट गया है, उसने वो अपने नाखों पे लगा लिया। अच्छा लग रहा है, वेरी बैड गाइस, मैं क्या ही करूँ इन लोगों का। और आज के घर में गजरेला पकड़ा है, तो खाना हमने बाहर से मंगवाया, हमने कराची नसीब बिरयानी मंगाई थी वो खाई है। गाइस गजरेला बन गया गरम गरम, मुझे तो गरम खाने का मजा आता है। एक मिनट इकट्ठे खाएंगे। मामा पीछे जा रही है, हेलो बोल दे, आप भी नजर आ रही हैं। हेलो, हम ना हो, गुड इवनिंग। हम टेस्ट टेस्ट करने लगे हैं। मामा यमी, मुझे गरम खाने का मजा आता है। तो मुझे लगता है पहली दफा गरम खा ली, इसकी शक्ल देख के पता चल रहा है। अनमा जी आप भी व्लॉग में हेलो बोल दो। नमस्कार, आपका गजरेला बन गया है, हम टेस्ट टेस्ट कर रहे थे वीडियो में। मामा मुझे एक मिनट मत दिखाए ऊपर करने का, मैं ऊपर मामा मुझे नजर नहीं आ रही, हमने इसमें टेस्ट टेस्ट किया, बहुत मजे का बना। सूट है जो मैंने कल पहनना था, अब मैं ये नहीं पहन रही, अब मुझे ये वाला ऑर्डर रिसीव हो गया है। तो ये सूट है, ये मैंने जो पहन दी थी, इसकी शॉल है, इट्स अ जिंक कलर लाइक यू कैन सी। सो मैंने सोचा मैं इसको डिच करा दूँ और ये पहन लूँ, ये बहुत ही प्यारा सूट है गाइस। दिस इज़ वेरी कोल्ड, तो मेरे पहले ज़रा वेलो थोड़ा बन जाएगा। गाइस जी मैंने एक नई चीज़ ऑर्डर की थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो दिस इज़ अ न्यू थिंग जो कि पाकिस्तान से बाहर तो बहुत ट्रेंड हो चुका है इस चीज़ का, बट हमारे यहाँ ये अभी कहीं कहीं पर अवेलेबल है। सो यू कैन जस्ट प्लेस दिस ऑन योर फ़ोन केस, और अपना फ़ोन केस कहीं पर भी स्टिक कर सकते हो, ये गाइस कैन सी। तो ये बहुत ईजी है मेरे लिए कि मैं इससे वीडियोज़ शूट कर सकती हूँ। मैं अभी आपको अपना फ़ोन वहाँ पर लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस मैंने ये यहाँ पे लगा दिया, और मैं इसको लाइक बिल्कुल स्टिक कर दूंगी, और ये स्टिक हो गया गाइस वाला। अब अगर ये गिर गया तो गिर गया, वो मुझे नहीं पता। सो गाइस अभी मैं अपने बालों में हेयर मास्क लगाने लगी हूँ, और उसके बाद मैं अपने बालों को वॉश करने वाली लाइक हम जिसको ना टेक शावर। बहुत रात हो गई, 8 बज गए। सो आई डोंट नो, मेरे बालों का कलर बिल्कुल उतर गया है, आई नीड टू गेट द टोनिंग डन, बट मैं उसको भी नहीं, नेक्स्ट मंथ मतलब जनवरी वो आ गया है, इसके मिड में कहीं करवाऊंगी, अभी नहीं। अभी आई हैव सो मेनी थिंग्स ऑन द प्लेट राइट नाउ, आई कैन नॉट डू दैट अभी। तो गाइस प्लान चेंज हो गया, पहले मैं अपना हेयर मास्क निकाल लगी थी, दिस इज़ फ्रॉम लॉरियल, बट अभी प्लान बिल्कुल चेंज हो गया ये देखते हुए कि बालों का कलर कैसा अजीब सा हो गया है। मैंने कोई चीज़ें ऑर्डर की थी और वो आ गई हैं, दैट्स अ न्यू शैम्पू एंड अ कंडीशनर। सो दिस इज़ पर्पल शैम्पू एंड पर्पल कंडीशनर, दिस इज़ फ्रॉम टोनी एंड गाय, इट्स अ शैम्पू एंड दिस इज कंडीशनर, ठीक है। स्मेल्स गुड, सलोन टाइप है, सेम स्मेल। सो ये क्या करेगा, ये मेरे बालों को थोड़ा सा कलर कर देगा, लाइक थोड़ा गोल्डन, और जो ब्लीची येलो ग्रास है ना, ब्रासी ये ब्रासी टोन को ख़त्म करके थोड़ा सा इवन टोन लाएगा। और ये मैंने सुना है, मैंने अभी तक ज़िंदगी में कभी पर्पल शैम्पू ट्राई नहीं किया, लाइक किया है बट ये वाला नहीं किया। सो लेट्स सी इफ इट मेक्स एनी डिफरेंस इज माय हेयर एट द मोमेंट। बहुत ज़्यादा येलो कलर है, बहुत ज़्यादा, लाइक इट्स मोर देन इनफ। अब ये ख़त्म होगा कि नहीं, लेट्स सी, मुझे नहीं पता। गाइज अभी बाल वॉश करके आई हूँ, और अभी मैं इनको ड्राई करने लगी हूँ। मुझे नहीं पता कि पर्पल शैम्पू
काम किया है कि नहीं। मैं पहले बाल ड्राई कर लूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि ये काम किया है कि नहीं। आई एम जस्ट गोइंग टू ड्राई माई हेयर राइट नाउ। सो गाइज, मैंने अभी अपने बालों को स्ट्रेटनिंग ड्राई किया है। मैं इसको पहले फिक्स कर लूँ। ओके, मैंने अभी इसको स्ट्रेटनिंग ड्राई किया, लाइक मैंने भी इसको ब्लो ड्राई नहीं किया है, बस ब्रश के साथ ड्राई किया है, मतलब कि विद द ड्रायर एंड द ब्रश, ताकि थोड़े से ये मैनेजेबल हो जाए। सो क्लियरली आई कैन सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं लाइट्स ऑन करके आती हूँ। ओके, बिकॉज पहले भी इतनी लाइट सी चल रही थी। सो व्हाट आई कैन सी इज के इस शैम्पू से येलो कलर थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। लाइक मैं यहाँ पे अगर हो सका तो पिक्चर पोस्ट करूँगी, अभी शावर लेने के आने से पहले की फ़ोटो, जब मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि ये मेरे बिफोर वाले बाल हैं। सो आई कैन सी अ नोटिसेबल डिफरेंस कि ये थोड़े से टोन डाउन हो गए हैं। लाइक लिटरली आई वेंट टू अ सलोन एंड उन्होंने मुझे यही टोनिंग अराउंड 4,000 से 5,000 में की लास्ट मंथ, आई गेस इन नवंबर, या इन नवंबर। उन्होंने भी इससे थोड़ा डार्क था, मतलब ये तो अभी थोड़ा सा लाइट ब्राउनिश गोल्ड में है ना, वो थोड़ा सा डार्क था इससे, मतलब कि जैसे ये है ना वो वाला कलर यहाँ था। एंड दे जस्ट चार्ज मी 4,000 to 5,000 एंड आई गेस नाउ आई हैव माई ओन बॉटल ऑफ शैम्पू। अगर मैं इसको एक दो बार और करूँगी तो ये और थोड़े बेहतर हो जाएंगे, बट यू आर सपोज टू यूज़ ओनली वंस अ वीक द पर्पल शैम्पू, इससे ज़्यादा नहीं। सो आई लाइक इट, बट एक चीज़ है, इससे मेरे बाल बहुत रफ़ हो गए थे, लाइक शावर में ही मुझे फील हो रहा था कि बहुत रफ़ हो गए हैं। तो फिर मैंने इसका वाला कंडीशनर भी यूज़ किया, लेकिन उसके साथ मैंने अपना जो मैं यूजली नॉर्मली जो मैं कंडीशनर यूज़ करती हूँ वो भी मैंने मिक्स किया टू मेक इट मोर स्मूथ। और अभी मैंने अपना सीरम नहीं लगाया था ना, जब तब भी मुझे लगा था कि बहुत अकड़े अकड़े बाल हैं, ये शैम्पू से मुझे लगा और मेरे बाल टूट भी रहे हैं, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग, बट चलो कोई बात नहीं। सो या, सो आई होप गाइज आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू रीच 1,000 सब्सक्राइबर। I'll see you guys next time with a new video. Until then, bye.